हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक डिलाइट चैनल में। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर टूल के बारे में। पिक्चर टूल के बारे में जानेंगे और पिक्चर टूल की सहायता से आप किसी इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट को कट करके कैसे निकालते हैं। जैसे फोटोशॉप में के अंदर इमेज में से ऑब्जेक्ट को कट करके निकालते हैं, सेम उसी तरह से हम ये काम एमएस वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करा, तो आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब के पिक्चर टूल के बारे में जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जैसे ही मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आपको आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जो आपको ये पूछेगा कि जो आप जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपके किस जगह पड़ी है या किस प्लेस में रखी हुई है। जैसे आपके पिक्चर डेस्कटॉप पे, डाउनलोड में, माय पिक्चर्स के अंदर या फिर माय कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में, सी डी ई एनी ऑफ देम, जहां पे आपके पिक्चर पड़ी है आप वहां पे जाके क्लिक करिए। जो भी आपके पिक्चर है आप उसको सेलेक्ट करके नीचे इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वो आपकी पिक्चर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। जैसे आपके सामने पिक्चर आएगी तो टैब के अंदर एक पिक्चर टूल नाम का फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जो सिर्फ पिक्चर के साथ ही खुलता है और पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तभी ओपन रहता है, वरना ये अपने आप बंद हो जाता है। पिक्चर के आपके आसपास ऊपर आपको व्हाइट कलर के डॉट दिख रहे होंगे जहां से आप पिक्चर की साइज को छोटा कर सकते हैं। पिक्चर की मैंने साइज छोटी करी, तो पिक्चर में हमेशा आप जब भी लो तो एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी पिक्चर को लोगे तो आप पिक्चर को आसानी से मूव कभी नहीं कर सकते। आप ऐसा कह सकते हो कि ये पिक्चर लॉक है, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। इसको मेरे को फ्रीली करने के लिए या फ्री हैंड करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, पहले पिक्चर को सेलेक्ट करो, पिक्चर टूल में जाओ। आपको पिक्चर टूल में एक ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट नाम का, इस रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और आपको इसमें सेलेक्ट करना है थ्रो। जी हाँ, थ्रो। आप जैसे ही पिक्चर को थ्रो करोगे तो आपके पिक्चर फ्री हैंड हो जाएगी और आप पिक्चर को आसानी से कहीं पे भी लेके जा सकते हो और आसानी से इसको आप मूव कर सकते हो। ये चीज कहलाएगी आपके पास रैप टेक्स्ट के अंदर थ्रो। चलो, पिक्चर को हमने थ्रो कर दिया है रैप टेक्स्ट की सहायता से। अब हम पिक्चर टूल के बारे में जो ऑप्शन अपन देख रहे थे, इस पिक्चर टूल को पहले समझते हैं पूरा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा था, हम किसी पिक्चर में से किसी ऑब्जेक्ट को कट करके अलग से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम किसी फोटो को क्रॉप करते हैं, लेकिन क्रॉप हमेशा स्क्वायर में होता है, ये चीज हम सबको पता है। लेकिन एमएस वर्ड 2010 के अंदर एक फीचर दिया गया है रिमूव बैकग्राउंड, जो आपके ऑब्जेक्ट को सिर्फ रखेगा और बाकी जो पीछे बैकग्राउंड होगा वो उसी के शेप में इसको कट करके निकाल देगा। जैसे मैं इस फोटो में से चाहता हूं, ये जो मेरे को बलून है और ये जो बॉय दिख रहा है, लड़का दिख रहा है, मेरे को सिर्फ यही चाहिए, बाकी सब पीछे जो बैकग्राउंड है, ऊपर जो स्काई है, नीचे घास है, उन सबको मेरे को हटाना है। तो सबसे पहले मैं रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर जाके क्लिक करूंगा, तो एक दो सेकंड की प्रोसेस लेके मेरे फोटो को कुछ इस तरह से दिखा देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है फोटो आधी, और आधी फोटो ओरिजिनल कलर में दिखा रही है। तो जो फोटो, जो पार्ट आपका पिंक कलर में कन्वर्ट हो चुका है, वो पार्ट आपका कट हो चुका है, और जो ओरिजिनल में दिखा रहा है वो एज इट इज आपके पास है। तो पिंक कलर वाला हिस्सा हमेशा कट होगा, रिमूव होगा, ये चीज ध्यान रखना। इस टूल के अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे बैकग्राउंड रिमूवल का एक नया टैब ओपन हो गया आपके सामने। इसके अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लस और माइनस, मार्क एरिया टू कीप और मार्क एरिया टू रिमूव। उस एरिया को मार्क करो, निशान लगाओ जो आपको चाहिए, और उस एरिया को निशान लगाओ जो आपको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए वाले मैप पे क्लिक करता हूं और ये वाला हिस्सा मेरे को नहीं चाहिए, मैंने टिक मार्क कर लिया। तो चलिए देखो, इसने पूरा हिस्सा हटा दिया, इसने इस लड़के को भी हटा दिया। तो छो हटाया, अपन जाते हैं मार्क एरिया टू कीप के अंदर, और इस लड़के के ऊपर मैंने एक लाइन बना दी सिलेक्शन करके। तो देखो, ये लड़का आ गया। तो आप जो कलरफुल हिस्सा देख रहे हो वो आपके हिस्सा रहेगा, वो पार्ट रहेगा, और जो पिंक हिस्सा देख रहे हो, पिंक पार्ट देख रहे हो, वो आपके हट जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए आप कर सकते हो कीप चेंजेस। जैसे कीप चेंजेस कर रहे हो, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड सारा रिमूव हो गया और जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट था फोटो में से वो मैंने कट करके निकाल दिया। तो ये चीज आप देख सकते हो, बैकग्राउंड रिमूवल से आप किसी भी फोटो के अंदर से ऑब्जेक्ट को कट करके निकाल सकते हैं। तो ये था मेन सबसे एमएस वर्ड के अंदर। ये फीचर सिर्फ एमएस वर्ड 2010 में दिया गया, और 10 से ऊपर हायर वर्जन में दिया गया, ऑफिस 2010 में, 2007 में ये चीज नहीं दी गई है। तो अब मैं इस फोटो को थोड़ा सही करता हूँ या छोटा करता हूँ, तो थोड़ी ज्यादा छोटी हो रही, तो मैं इसका थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप ऑप्शन मिलेगा आपको पिक्चर टूल के सबसे लास्ट में, क्रॉप में गए, क्रॉप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह के कुछ डॉट आएंगे, तो ब्लैक डॉट से आप पिक्चर को जितना चाहिए उतना सेट कर लो। छोटा करा आपने, जितना छोटा करना है छोटा कर दिया, फिर बाहर जाके क्लिक कर लो तो आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी। तो ये चीज आपने देखी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को कट कर सकता हूं किसी भी फोटो में से या पिक्चर में से। तो ये था बैकग्राउंड रिमूवल। चलिए, इसके अलावा पिक्चर टूल के जो आगे वाले और ऑप्शन है उसको मैं देखता हूं। अब मेरी फोटो कुछ इस तरह से हो गई है, ये फोटो मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं इंसर्ट में गया वापस,
इंसर्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करा, कोई दूसरी फोटो ली, सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। सबसे पहला वही काम, रैप टेक्स्ट में जाके थ्रो करो, वरना आपकी पिक्चर मूव नहीं होगी आसानी से। मैंने इसको छोटा कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास करेक्शन। करेक्शन का मीन, जैसे अपन फोन के अंदर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करते हैं, पिक्चर को लाइट डार्क करते हैं, कलर्स जो कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में, ये पिक्चर के ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को सेट करता है। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सही लगे, वो आप इसके अंदर सेट करके क्लिक कर लो, वो पिक्चर के आपके ऊपर सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ कलर, तो पिक्चर को आपको किस कलर में लेना है या किस तरह का कलर आपको दिखाना है पिक्चर का, जो भी आप चाहिए आप उसके ऊपर माउस घुमाते रहो, अपने आप कलर बताता रहेगा। जो चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर लो, वो कलर उसके लिए सेट हो जाएगा। वापस पहला जैसा चाहिए, या फिर तो कंट्रोल प्लस जेड करो, या फिर कलर ऑप्शन के अंदर ही मिलेगा आपको नो कलर। नो कलर से वापस आपकी पिक्चर पहले जैसी हो सकती है। फिर आपके सामने मिल रहा है आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट फोटो के अंदर कुछ इफेक्ट लगाता है, कुछ अलग तरह के प्रभाव आपके डालता है। जैसे फोन के अंदर या किसी ऐप के द्वारा आप करते हो फोटो पे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फोटो अलग अलग इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इन इफेक्ट को लगने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि फोटो अपने पास थोड़ी बड़ी है, जिसलिए ये इफेक्ट के ऊपर टाइम लगा रहा है। जो आपको इफेक्ट चाहिए आप उस इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर लो, वो इफेक्ट सेट हो जाएगा। नहीं चाहिए, वापस आर्टिस्टिक इफेक्ट के ऊपर क्लिक करो, और सबसे पहला आता है नो इफेक्ट या नन, क्लिक कर लो, वापस पिक्चर पहले जैसी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मीन ये होता है कि ये आपकी पिक्चर की साइज को कम करता है। यहाँ पे साइज का मीन हाइट और विड्थ नहीं है, यहाँ पे साइज का मीन होता है पिक्सल्स। जैसा कि आप जानते होंगे हर एक फोटो छोटे छोटे पिक्सल से बनी हुई होती है, छोटे छोटे डॉट से बनी हुई होती है, जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं। और फोटोज की और पिक्चर्स की मेन साइज हम पिक्सल्स में ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर की साइज पिक्सल्स ज्यादा है, तो इसको हम कम करेंगे। तो जैसे पिक्सल्स कंप्रेस पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये पिक्सल्स पूछ रहा है 96 ppi, 150 ppi, 220 ppi। ppi का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। फोटोज को सिर्फ दो चीजों में मेजर करते हैं, ppi पिक्सल्स पर इंच और dpi डॉट पर इंच। तो मैं शो कर रहा हूँ 96 ppi, मतलब सबसे छोटी। ओके, तो आपको इस देखो पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पिक्चर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं लग रहा होगा। अगर आपको इसका रियल इफेक्ट देखना है तो आप आर्टिस्टिक इफेक्ट को एक बार वापस लगाइए। तो देखो पहले जितना आर्टिस्टिक इफेक्ट को लगने में जितना टाइम लग रहा था, अब उससे कम टाइम लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पहले पिक्चर बड़ी थी और अब पिक्चर छोटी है, तो आर्टिस्टिक इफेक्ट को लगने में टाइम कम लग रहा है। तो आप अपनी पिक्चर को छोटा कर चुके हो, अगर आप इसको और जूम करके बड़ा करके देखते हो तो इसको आपको पिक्चर थोड़ी फटी हुई लगेगी, क्वालिटी सही नहीं लगेगी। तो ये चीज करता है कंप्रेस पिक्चर। चेंज पिक्चर, आपने जो ये फोटो ली हुई है इस फोटो को मैं किसी और फोटो के अंदर बदलना चाहता हूं, तो चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, जिस फोटो से बदलना चाहते हो उस फोटो को सेलेक्ट करो और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लो, तो वो आपके चेंज कर देगा उसी फोटो के अंदर। सेम प्रॉपर्टीज रहेगी जैसे पहले वाले फोटो की थी, उसकी भी यही प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन कंप्रेस वाला फीचर इसमें सेम नहीं रहेगा, इसमें वापस करना पड़ेगा आपको, हर एक फोटो का अलग होता है कंप्रेस। रीसेट पिक्चर, जैसा कि आपने किसी फोटो को कोई कलर दिया है, किसी तरह का कोई इफेक्ट आप दे चुके हो फोटो के ऊपर, तो मैं चाहता हूं फोटो वापस पहले जैसी करनी है, तो रीसेट आपकी फोटो को वापस पहले जैसा कर देगा, जैसे पहले थी, जैसे आपने इंसर्ट करी थी। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा पिक्चर स्टाइल। आप अपनी फोटो को किसी भी तरह की स्टाइल या फिर फ्रेम देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं इनके द्वारा, जैसे कि आप 3D देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, जो आपको चाहिए क्लिक कर लो वो सेट हो जाएगा इफेक्ट आपके सामने, अलग अलग टाइप के। जो इफेक्ट लिया, अगर मैं इफेक्ट के साथ चेंज पिक्चर को काम में लेता हूं, तो जो मेरा इफेक्ट लिया वो तो इफेक्ट वही रहेगा, बस अंदर की जो फोटो है वो चेंज हो जाएगी, फ्रेम वही रहेगी। मेरे को फ्रेम नहीं चाहिए, या तो फिर तो कंट्रोल जेड करो या फिर रीसेट करके इसको वापस आप सही कर सकते हो। पेज पिक्चर बॉर्डर, नेक्स्ट ऑप्शन अपना पिक्चर बॉर्डर के। हम पिक्चर बॉर्डर के अंदर हम फोटो का कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं या आउटलाइन लगा सकते हैं। जैसे मैं इस फोटो की आउटलाइन रेड कलर में लगाना चाहता हूं, तो जैसे मैंने रेड कलर के ऊपर क्लिक किया, रेड कलर की आउटलाइन ले ली, लेकिन आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम आउटलाइन दी है, मतलब बहुत ही पतली आउटलाइन है। सेलेक्ट करा, मैं चाहता हूं इस आउटलाइन को थोड़ा मेरे को मोटा करना है, थिकर करना है, तो वेट के ऊपर जाओ नीचे। इसमें वेट का मीन ये होता है कि लाइन का वेटेज बढ़ाएगा, उसकी मोटाई बढ़ाएगा, कितनी आपको लाइन मोटी चाहिए। अब जैसे जैसे मैं नीचे कर्सर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, उसकी लाइन थिकर होती जा रही है, मैंने ये ले लिया, उसकी लाइन को थिकर कर दिया बॉर्डर को। मैं चाहता हूँ बॉर्डर इसमें डैश डैश में या डॉट डॉट में आनी चाहिए, तो नीचे डैशेज दिया हुआ है, आप इसमें डॉट डॉट डैशेज जैसे आपको चाहिए सूटेबल लगे आप इसमें पिक्चर दे सकते हो या आउटलाइन दे सकते हो। या मान लो आपको आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा नो आउटलाइन। नो आउटलाइन से पूरी आपकी आउटलाइन को ये हटा देगा। फिर आपके सामने मिल रहे हैं पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, जैसे आप इसके पिक्चर स्टाइल के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे ये इसकी परछाई दिखा रहा है फोटो की, यहाँ पे इसकी बाउंड्री या आउटलाइन एजेस थोड़े धुंधले हैं, यहाँ पे शेडो दे रहा है, तो इसी तरह के कुछ इफेक्ट आपको पिक्चर इफेक्ट के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले के ऊपर क्लिक करोगे प्रेजेंट के ऊपर, तो अलग अलग फोटो के ऊपर देखो इफेक्ट हो पा रहा है,
लेकिन उससे उसके लिए आपको पहले फोटो को सेलेक्ट करना होगा। जब तक किसी फोटो को सेलेक्ट नहीं करोगे ये काम आप नहीं कर सकते। शेडो देनी है तो शेडो में आउटर शेडो आप चाहते हैं, देखिए हल्की सी शेडो आ रही है फोटो पे, अभी नहीं है, हल्की सी शेडो देगा, ज़्यादा नहीं देगा, ये आउटर देगा। इनर शेडो फोटो के अंदर शेडो देगा आपके पास अंदर की साइड, और पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही बाहर दे देगा आपको, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। ये चीज़ें जो शेडो आपने लगाई है उसके ऊपर क्लिक करो। अगर आपको वो शेडो नहीं चाहिए, पिक्चर में जाओ, इफेक्ट शेडो और नो शेडो। इस तरह से रिफ्लेक्शन आपको चाहिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं नीचे, जैसे कोई पिक्चर पानी के अंदर जैसे आपको कोई रिफ्लेक्शन या परछाई आप देख पाते हैं छाया, तो उसी तरह से ये आपको कुछ रिफ्लेक्शन बता रहा है, कितना दूर चाहिए, कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, सेट कर लो उसके हिसाब से। ग्लो करना है तो उसके आउटलाइन के जो उसके किनारे होंगे उसको एक कलर दे देगा ये ग्लो करके। तो कुछ इस तरह से इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं। इस इफेक्ट को और थोड़ा इफिशियंट या सही लगाना है आपको, अच्छा दिखाना है, तो इसकी आप आउटलाइन दे दीजिए वाइट कलर की या किसी भी कलर की आप चाहते हैं। तो देखिए फोटो के ऊपर और एक इफेक्ट बन गया आपके सामने। नहीं चाहिए नो कलर दे दो, ग्लो भी नहीं चाहिए ग्लो के अंदर जाओ और नो ग्लो कर दो। सॉफ्ट एजेस के अंदर आपके फोटो के जो एजेस हैं यानी किनारे हैं आउटलाइंस हैं उसको ये सॉफ्टर करता रहेगा। देखिए जैसा कि आपको फोटो के ऊपर इफेक्ट दिखा है, 10 लिया मैंने, 25 लिया और कम कर दिया, 50 लोगे हाईएस्ट 50 करके आपको दे देगा। उसके जो फोटो के किनारे होंगे एजेस होंगे उस तरह से मिला देगा, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड होगा उसके साथ वो कलर मिक्स हो जाएगा। नहीं चाहिए एजेस नो सॉफ्ट एजेस कर लिया। अगर आपको बिवेल करना है, बिवेल मीन ये होता है कि फोटो को थोड़ा उभरा हुआ बताएगा, ये चीज कह सकते हैं, या थोड़ा थिकर बता देगा, जैसे आप 3D में देख पाते हैं किसी इमेज को, सेलेक्ट कर लिया। इस बिवेल का अगर सही तरीके से आपको यूज करना है तो आप उसको 3D रोटेट कर लीजिए किसी भी तरह से, तो आपको सही तरीके से बिवेल पता चल जाएगा कि बिवेल का इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं इसको बिवेल नहीं करता, सिर्फ 3D रोटेट किया होता तो देखो फोटो कुछ इस तरह से दिखती। अभी फोटो 3D में दिख रही है आपको जिस तरीके से इस फोटो को चाहिए। तो ये चीज इसके अंदर बिवेल होती है, नहीं चाहिए 3D रोटेट, अलग अलग तरह के इफेक्ट दिए हुए, जो आपको सूटेबल लगे वो सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं चाहिए नो, एंड बिवेल के अंदर भी नहीं चाहिए नो बिवेल के ऊपर क्लिक कर लो। ये चीज आपके पास पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर लेआउट का मीन ये होता है कि आपको किसी फोटो के ऊपर अगर कुछ नाम लिखना है, कुछ नेम लिखना है, तो फोटो पिक्चर लेआउट के ऊपर आप लिख सकते हो जिस भी तरह का आप नाम लिखना चाहते हो। जैसे मैंने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, इस फोटो के ऊपर मैं लिखना चाहता था गुड गर्ल, जैसे ये नेम लिख दिया, तो इस तरह का कुछ फोटो का नेम लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आप पिक्चर के ऊपर कुछ नेम लिखते हैं तो आपके स्मार्ट आर्ट टूल खुल जाता है, जो कि अभी हमने नहीं करा है, जो हमारी जो अगली वीडियो के अंदर हम स्मार्ट आर्ट टूल्स को करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं, वापस फोटो को सही कर लेते हैं। तो ये चीज हम इसके ऊपर देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने इस फोटो को कंट्रोल जेड करके वापस पहले जैसा कर दिया, तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर देखते हैं पोजीशन। पोजीशन का एक्चुअल मीन क्या होता है। जैसे ही मैंने इस फोटो को छोटा कर दिया तो इस फोटो को आपके पूरे पेज पर किस जगह पर रखना है, किस पोजीशन में रखना है, वो ये पोजीशन डिसाइड करेगा। जैसे लेफ्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, पेज के मिडिल में रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट, आप जो भी लेना चाहते हो पेज फोटो की पोजीशन, वो आप इस पोजीशन के द्वारा ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। पोजीशन के बाद फिर आपके सामने नेक्स्ट दिखता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि रैप टेक्स्ट, रैप का मीन होता है लपेटना या किसी के आसपास, और टेक्स्ट को मीन होता है अक्षर। अक्षर के आसपास या टेक्स्ट के आसपास आपको किसी फोटो को लगाना है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं, हमेशा किसी फोटो के आसपास टेक्स्ट उसी शेप के अनुसार चलता रहता है, तो वो चीज़ आप रैप टेक्स्ट से कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट के लिए मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ, कंट्रोल प्लस ओ किया मैंने तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हुआ। मेरी एक फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे डेटा के अंदर, फाइल को सेलेक्ट करा और ओपन करके ओपन कर लिया। इसके अंदर मैं एक पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, पिक्चर को इंसर्ट करा, सेलेक्ट करा और इंसर्ट कर लिया, और रैप टेक्स्ट के अंदर मैंने थ्रो कर लिया। अब देखो मैंने पिक्चर के ऊपर कुछ भी सेटिंग नहीं की, सिर्फ मैंने थ्रो करा है। थ्रो एक्चुअल में करता क्या है, आपके टेक्स्ट को फोटो के आसपास उसको लपेट देगा, ये चीज एक्चुअल में थ्रो होती है। अगर फोटो जिस शेप में होगी उस शेप में लगा देगा। जैसे मैंने पिक्चर स्टाइल के अंदर जाके मैंने इसको सर्कल में ले लिया, तो आप जैसे आपकी आप देख पा रहे हैं इस सर्कल के हिसाब से टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया उस शेप के अंदर। तो ये चीज आप रैप टेक्स्ट के अंदर कर सकते हो। रैप टेक्स्ट के अंदर और भी चीज होती है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था फोटो को जब आप इंसर्ट करते हो फोटो लॉक होती है। एक्चुअल में वो फोटो लॉक नहीं होती है, वो इन लाइन विद टेक्स्ट की सेटिंग होती है। इन लाइन विद टेक्स्ट का मीन ये होता है कि एक लाइन आपके टेक्स्ट के साथ चलेगी फोटो के साथ में, और आप किसी फोटो को आसानी से मूव नहीं करवा सकते। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे एक नेक्स्ट आपके सामने स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी अपन कह सकते हैं एक तरह का फ्री हैंड ही है, लेकिन आपके फोटो का जो शेप होगा उस शेप से उसको कोई मतलब नहीं, हमेशा ये फोटो को स्क्वायर के रूप में ही बताएगा टेक्स्ट को। टाइट के अंदर
आप टाइट करो फोटो को या थ्रो करो, दोनों सेम ही है। आप टाइट करोगे तो भी सेम ऐसे दिखेगा और थ्रो करोगे तो भी ऐसे ही दिखेगा आपको। फिर आपके सामने है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि आपको टेक्स्ट दिखेगा तो सही, लेकिन उसके फोटो के या उस पिक्चर के ऊपर या नीचे सिर्फ, लेफ्ट या राइट में कुछ नहीं दिखेगा टॉप बॉटम के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहाइंड द टेक्स्ट, तो आप किसी फोटो को पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन जब किसी फोटो को टेक्स्ट के पीछे आप रखोगे तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपका फोटो का सिलेक्शन बाय चांस हट गया तो आप इस फोटो को वापस सेलेक्ट नहीं कर सकते आसानी से कभी कभी। तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है, आप होम टैब में जाइए। होम टैब के अंदर जो सेलेक्ट है, उस सेलेक्ट के अंदर सेकंड ऑप्शन मिल रहा है आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेनली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, किसी टेक्स्ट को नहीं। आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, जो पोजिशन करनी है, साइज करनी है, सेट कर लो या वापस आपको सही करना है, तो मैंने इसको थ्रो कर लिया। और फोटो के बाहर आप दो बार डबल क्लिक कर लीजिए, फोटो का वापस सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन है बिहाइंड द टेक्स्ट, अक्षरों टेक्स्ट के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है अक्षरों के आगे आपको करना है। तो इसके अंदर रैप टेक्स्ट के अंदर जो सबसे मेन ऑप्शन काम आते हैं, थ्रो काम आते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन है इसके अंदर। तो मैंने इस फोटो को थ्रो करके सेट कर लिया। फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे सामने, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड एक्चुअल में करते क्या है, अगर हमारे पास दो या तीन फोटोज हैं, जैसे मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी करके इसकी कॉपी बना ली, इसका कलर कुछ अलग दे दिया हमने, तो दो फोटो आ गए, तो ब्लैक वाली फोटो आगे है और कलर वाली फोटो पीछे है। अगर मैं चाहता हूँ कलर वाली फोटो मेरे को आगे लेके आनी है तो ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा, और अगर इसको वापस पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड करूंगा। फॉरवर्ड फोटो को आगे लेके आता है और बैकवर्ड फोटो को पीछे लेके जाता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड टेक्स्ट के साथ काम नहीं करेंगे। टेक्स्ट के पीछे लेके जाना और आगे लेके जाना फोटो के लिए यही काम करना पड़ेगा, बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये चीज आप देख सकते हैं उसके अंदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का बेसिक मीन ये होता है कि आपके पेज के अंदर कितने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, आपने फोटो है, शेप है, तो उन सबके बारे में ये शो करता है, बताता है, उनके नेम वगैरह शो करता है। उनको हाइड करना, तो पास में आपको एक आंख का निशान मिलेगा आई का, उसके बाद क्लिक करके आप फोटो को किसी भी फोटो को हाइड कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वापस लेके आना, वापस लेके आ सकते हो। ये चीज था आपके सामने सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन के बाद में दिख रहा है आपको अलाइनमेंट, जो पोजीशन के अंदर करेगा वही चीज आपको अलाइनमेंट के अंदर भी बताने वाला है। फोटो को कहां पे रखना, आपको फोटो को लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में टॉप में रखना है, मिडल में रखना है। अगर पेज के सेंटर में लेना है तो पहले आप यहां से सेंटर कर लीजिए, फिर आप यहां से मिडल कर लीजिए, तो फोटो पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो अब आप बोलेंगे पोजीशन भी यही काम कर रहा है और अलाइनमेंट भी यही काम कर रहा है, तो दोनों एक ही ऑप्शन है तो अलग अलग क्यों दिए गए। इनका बेसिकली मीन आप किसी ऐसी फाइल में देख सकते हैं जहां पे आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट मिल रहा हूं। अगर मैं इस फाइल के अंदर, अगर टेक्स्ट के अंदर आप काम करोगे फोटो के साथ में, तो आपको फर्क इसका जो डिफरेंस है वो मालूम चल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर मैं अलाइनमेंट से इसको सेटअप करता हूं तो उसके आसपास जो टेक्स्ट है वो वैसे के वैसे ही है, उसके आसपास वैसे ही रोटेट हो रहे हैं जैसे कि वो फोटो है। लेकिन ये चीज आप पोजीशन के अंदर नहीं कर सकते। पोजीशन के अंदर करोगे तो फोटो को आपको हमेशा स्क्वायर में ही देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमेशा आपको स्क्वायर में मिल रहा है यहाँ पे, तो ये चीज हमेशा स्क्वायर में ही देता है। तो पोजीशन का फर्क ये हो जाता है, पोजीशन से आप सेट करोगे किसी फोटो को लेफ्ट राइट सेंटर तो स्क्वायर में देगा, और अलाइनमेंट से करोगे तो आपको जो शेप है टेक्स्ट का वो वैसा का वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा आपके सामने। फिर आपके सामने दिख रहा है नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप का बेसिकली मीन ये होता है कि आप दो फोटो को या दो से ज्यादा फोटो को मिलाकर एक कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं इन दोनों फोटो को मेरे को एक करना है, सिंगल करना है, तो ग्रुप हमेशा एक फोटो के साथ कभी सेलेक्ट नहीं होता। अगर दो फोटो को मल्टीपल आइटम को सेलेक्ट करना है एमएस वर्ड के अंदर या कहां पे भी आपको, तो कंट्रोल को प्रेस कीजिए। जैसे मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा, देखिए मैं आपके सामने मेरे को प्लस का सिंबल दिख रहा होगा हल्का सा, तो क्लिक करा दूसरी फोटो के अंदर, दूसरी फोटो भी सेलेक्ट हो गई, ग्रुप का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, ग्रुप के अंदर क्लिक कर लो तो आपकी उस फोटो को ये ग्रुप करके दे देगा, तो दोनों फोटो अब एक हो गई है। आप भले कितना भी इसको छोटा करो या बड़ा करो, वापिस अलग करना है तो अनग्रुप कर लो और बाहर क्लिक कर लो, तो दोनों फोटो आपके सेपरेट हो जाएगी, वापिस अलग अलग हो जाएगी। फिर आपके सामने दिख रहा है रोटेट ऑप्शन। रोटेट का बेसिक मीन ये होता है कि आप किसी भी फोटो को घुमा सकते हो जैसे आप चाहते हो, जैसे आपको ऊपर ग्रीन बटन मिल रहा है फोटो के, अगर आप ऐसे नहीं घुमाना चाहते तो यहाँ पे रोटेट का 90 डिग्री, 180 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टिकल, फ्लिप वर्टिकल कैसे घुमाना है, तो आप यहाँ से भी इस फोटो को रोटेट कर सकते हो डायरेक्शन के अनुसार। जैसे क्रॉप ऑप्शन को अपन ने पहले देख लिया था, फोटो को क्रॉप करेगा, कट करेगा, लेकिन क्रॉप के अंदर एक और फीचर और एक और फंक्शन दिया गया है आपके सामने, वो है क्रॉप टू शेप। क्रॉप टू शेप के अंदर आपको बहुत सारे शेप मिल रहे होंगे, इसका मेन फायदा ये होता है कि इस शेप के अंदर जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो उस शेप के अंदर आपको फोटो को कट करके क्रॉप करके दे देगा।
तो इसका मेन फायदा ये होता है, आप कह सकते हो मैंने किसी शेप के अंदर किसी फोटो को डाल दिया, तो ये मेन चीज आपके सामने क्रॉप करेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि मैं इस फोटो को थोड़ा लेफ्ट कर लूँ, राइट कर लूँ, इसके अंदर शेप के अंदर ये चीजें एमएस वर्ड या ये फंक्शन एमएस वर्ड नहीं देता आपके सामने। तो आप जिस शेप में चाहते हो उस शेप में इस फोटो को ये आपको डाल के बता देगा, जैसा भी मैं क्लिक करूंगा वैसे सेट कर लेगा। अगर आप चाहते हो वापस पहले जैसा करना, या फिर तो आप रीसेट करके, रीसेट पिक्चर करके वापस पहले जैसा कर लीजिए, या फिर क्रॉप शेप के अंदर ही सबसे पहला रेक्टेंगुलर होता है उसके ऊपर क्लिक करके वापस पहले जैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है लास्ट ऑप्शन, इसके हाइट और विड्थ को कम करना। हाइट विड्थ आप यहां से कम करो, या आपको जो कॉर्नर दिख रहे हैं आप वहां से भी फोटो को कम, छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा पिक्चर इंसर्ट के अंदर पिक्चर टूल के बारे में, और उस पिक्चर टूल के सारे ऑप्शंस को आज हमने देखा कि हम पिक्चर के साथ कैसे काम कर सकते हैं और कैसे कट करवा सकते हैं, और क्या क्या फीचर या कौन से ऑप्शन हमको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है एक पिक्चर को सेटअप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी इसके अंदर? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,